सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो स्मार्टी सैफ। और अभी हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑफ बोल्ट ट्रेलकॉप्ड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच। जैसे मैंने आपको इसका पहले ऑलरेडी एक प्रीव्यू वीडियो बनाया था जो हमारा फर्स्ट टाइम था। सो गाइस, आप उस वीडियोज को जरूर चेकआउट करें। इस वीडियोज में अभी हम इसका पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं, साथ के साथ इसको कनेक्टिविटी करेंगे, इसके साथ कॉलिंग फीचर्स है और जो भी हमारे आजकल स्मार्ट वॉच में फीचर्स आ रहे हैं, सारे फीचर्स आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो सारे हम ट्रायल करने वाले। साथ के साथ आप iOS और Android के साथ हम इसकी कनेक्टिविटीज भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ मैंने इससे पहले बोल्ट का वॉच यूज करा हुआ है, वो कप डिस्प्ले देखने को मिलता है। अभी कोई भी कंपनीज ने कप डिस्प्ले का स्मार्ट वॉच यहाँ पे लॉन्च नहीं करा है, वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। IP68, फाइंड माई फोन, फाइंड माई डिवाइसेज, इसके साथ साथ 190 प्लस वॉच फेसेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए फटाफट सर इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। बोल्ट ट्रेल डिलीवरी है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सेकंड डे आ जाएगा, बट स्टिल दिस इज 27th ऑफ मई और काफी लेट अनबॉक्सिंग हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लिपकार्ट। ओके, वी हैव अ बॉक्स एंड दिस वी हैव अ स्लाइड ओपन। इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकल रही है, ठीक है, ये वाली स्कीम है पूरी। एंड दिस वी हैव, ओ भाई साहब, पैकेजिंग के लिए, तो मतलब डिजाइनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, लेवलिंग के लिए बोल्ट को, इसके लिए मैं बोलता हूँ एक अलग से, ये भाई साहब बुकलेट टाइप का बना दिया है। दिस वी हैव अ एकदम सॉलिड तरीके से वॉच यहाँ पे रखा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है स्कैन एंड सिक्योर, तो पहले इसको निकाल के देखते हैं क्या इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें। बोले तो मैग्नेटिक चार्जर, उसके बाद हमें एक ट्रेल का एक यूजर मैनुअल कार्ड मिल जाए जो कि हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर में है। वी हैव अ वॉच, लुक दिस, वी हैव अ फर्स्ट इम्प्रेशन। वॉच का थोड़ा सा जो कर्व्ड डिस्प्ले है आपको अब देखने को मिल रहा होगा। एंड वी हैव दिस, OMG, काफ़ी अमेजिंग लुक है, मैग्नेटिक, ओवरऑल एवरीथिंग गुड। यहाँ पे जो इसका फिनिशिंग है काफ़ी काफ़ी मज़ेदार रहेगा इस फिनिशिंग इसकी। एंड वी हैव अ चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर, नथिंग। और यहाँ पे ऑन करते ही आपको दी जाएगा स्कैन टू डाउनलोड, ठीक है, बोल्ट फिट ऐप, बोल्ट फिट, इसको हम कर देते हैं ऑन। और यहाँ पे जेंडर वेंडर कुछ अभी नहीं सिलेक्ट करना है, डिटेल ऐड डिवाइस पे आते हैं सीधा, लोकेशन ऑन किया, सर्चिंग ब्लूटूथ ऑन होगा। यहाँ पे टाइमिंग के साथ जैसे ही अपडेट हुआ, डेट मीन्स आपका वॉच यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे 8:25 अब देख लो, 27th ऑफ मई मंडे। ओके, जो फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सिलिकॉन रेटिंग, हार्ट रेट, स्टेप काउंट, बीपी, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। दूसरा हमारा रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारा जो भी आप एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले वॉच में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस होंगी। वॉच फेसेस में यहाँ पे आप बाई डिफ़ॉल्ट देख सकते हो जो बाई वॉच फेसेस है, वो भी हम देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे मैसेजेस के नोटिफिकेशंस हैं, कॉल है, सो यहाँ पे कॉल ऑन कॉन्टैक्ट हमने ऑन कर दिया है, मैसेजेस भी ऑन कर दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, सारे के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। सो फिलहाल यहाँ पे अमेजिंग होने वाला है वॉच, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको इंस्टेंट अपने ऑन क्लिप ऑन हैंड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके फ़ोन्स के। फाइन डिवाइस का फीचर है, टाइम फॉर्मेट है जो आप 12 आवर ऑटो लॉक टाइम सेट कर सकते हो, क्विक व्यू, जैसे ही आपका स्मार्ट वॉच मूव करता है तो उस टाइम पे एक्टिवेट करने के लिए। कंट्रोल फोन म्यूजिक हमने एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोल्ट फिट ऐप है, इसको अलाउ करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव अ वेदर अपडेट, टेम्परेचर सेल्सियस में होने वाला, हेल्थ, साइकिल डेज, ये सारा कुछ आपको 1 आवर में आपको ड्रिंक वाटर का रिमाइंडर अपडेट देता रहेगा। डायरेक्टली आप अपने वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं 8, यहाँ पे 8 अलग अलग वॉच फेसेस देखने को मिल जा रहे हैं। सो करेंटली ये वाला अमेजिंग लग रहा है, 8/28/27 मंडे। ओके, सो हमने आज इसको प्रेस किया, दैट इज डायरेक्टली अनलॉक। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्टिविटी, स्लीप, हार्ट रेट, फोन, यहाँ पे डायल पैड हमने किया 1, 2, 3 और यहाँ पे हमने कॉल कनेक्ट कर दिया। फोन देख रहे हो आपके सामने रखा हुआ है, ये कनेक्ट हो चुका है गाइस। कैलकुलेटर एज वेल, सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डिस्प्ले है आपके पास, वाइब्रेट एंड रिंग है, देन वी हैव डू नॉट डिस्टर्ब। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा, अभी मुझे ये लग रहा है इसको एक बार हम रीस्टार्ट करें। गाइस, वी आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, क्योंकि अब आपको इनकमिंग रिसीव कॉल कैसे आते हैं ये हम एक्सपेक्ट करने वाले यहाँ पे। सो थोड़ा सा आपको इनकमिंग रिसीव कॉल का यहाँ पे डेमो दिखाने वाले। सो वी हैव अ कॉल, यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन यानी म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, वी हैव एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन, एक्सेप्ट किया हमने, स्पीकर का ऑप्शन,
हाँ आवाज कैसी आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है, पूरी आवाज क्लियर आ रही है। अभी मैं घर पे वैसे शूट कर रहा हूँ, तेरा वीडियो यूट्यूब पे डालेगा तो सही से बता दो सबको कि जो वॉच से बात हो रही है आवाज क्लियर आ रहा है। So, ये आप देख सकते हैं वॉच के माइक से और स्पीकर से आपको रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। कॉल स्विच का ऑप्शन है, कॉल स्विच कर दिया हमने। अब हम वॉच फोन से बात करने वाले हैं। हेलो, ईयर पीस पे आ गया, स्पीकर पे आ गया। हेलो, हेलो, चल ठीक है फिर रखते हैं, बाद में बात करते हैं, बाय बाय। ठीक है बाय। लेकिन मुझे टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं दिखा। वी हैव अभी यहाँ पे फिलहाल ठीक है वैसे। सो वी हैव अ म्यूजिक कंट्रोल, अभी फोन हमने कुछ नहीं छेड़ा है, फर्स्ट टाइम हम इसको ऐसा प्लेस कर रहे हैं। वेट करते हैं म्यूजिक प्ले होता है या नहीं, क्योंकि हमने इसको परमिशन दिया है एंड यहाँ पे ऐसा कोई म्यूजिक प्ले नहीं हुआ है फिलहाल। एंड अगेन यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले नहीं हुआ है। हाँ प्ले हो चुका है। ओह भाई साहब, ये डायरेक्टली स्पॉटिफाई कनेक्ट करके स्पॉटिफाई से प्ले कर चुका है एंड स्पॉटिफाई से डायरेक्ट प्ले है, क्योंकि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी कोई म्यूजिक डाउनलोडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे म्यूजिक ऑप्शन है और साउंड भी, और ये हमारा जो म्यूजिक का साउंड आप सुन पा रहे हो ये हमारे वॉच के अंदर से आ रहा है गाइस। ये हाँ साउंड जो था ये हमारे वॉच का था, और ये वॉच में स्पीकर आपको देखने को मिलेगी, इस स्पीकर के थ्रू आपको साउंड देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम अगर म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो हमारा ये प्ले हो रहा है वॉच के अंदर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हमें नेक्स्ट टाइम प्ले करना हो, अगर कोई हमारा अदर डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, सपोज करता हूँ मैं एक बार मैं चाहता हूँ कि अपने वॉच से फ़ोन के म्यूजिक को कंट्रोल करें, तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन में एक दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट करने वाले हैं, दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस। तो कॉल्स इन मीडियाज के लिए कनेक्टेड है, बट वॉच हमारा वॉच भी कनेक्टेड है। अगेन हम म्यूजिक पे आते हैं एंड वी हैव हमने बंद कर दिया है, और यहाँ पे म्यूजिक ऑन किया। अब गाइज हमारे इस ब्लूटूथ के अंदर, सीरियसली इस ब्लूटूथ के अंदर म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, म्यूजिक कंटिन्यू है एंड वी कैन कंट्रोल दिस। नेक्स्ट क्या हमने हीर ये म्यूजिक प्ले हो चुका है, और ये हमारा इसके अंदर प्ले हो रहा है। अब फोन से भी साउंड नहीं आ रहे। इसके प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो करेंटली प्लेइंग है ना, आप ब्लूटूथ में आओ, कनेक्टेड दोनों हैं, ठीक है, बट यहाँ पे अब जो ब्लूटूथ डिवाइस आपके पास होगा आप वॉच के थ्रू कंट्रोल करके म्यूजिक प्ले कर सकते हो। सो ये चीज़ें हमारी टेस्टेड है नाउ। सो गाइस आई होप आपको इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन बच जाता है मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बता देना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।